दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी और रिंकू सिंह को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, कोलकाता और चेन्नई के बीच खेले गए मैच में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी के साथ रवींद्र जडेजा की गेंदबाजी के शानदार प्रदर्शन को देखकर कोलकाता के मालिक शाहरुख खान के उड़े होश। महेंद्र सिंह धोनी और रवींद्र जडेजा की तारीफ करने के साथ रिंकू सिंह को फटकार लगाते हुए दे दिया सनसनी मचा देने वाला बयान। जी हां दोस्तों, कोलकाता और चेन्नई के बीच खेले गए मैच में चेन्नई की टीम को जीत मिली है, जिसके बाद कोलकाता के मालिक शाहरुख खान का बयान सामने आया है। इस बीच उन्होंने चेन्नई की जीत के बाद एक ऐसा बयान जारी कर दिया जिसको सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिरकार कोलकाता की चेन्नई के खिलाफ हार के बाद शाहरुख खान ने क्या कहा है तो आपको बताएंगे ही, तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी रवींद्र जडेजा में कौन है चेन्नई का सबसे बेहतर खिलाड़ी? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, कोलकाता और चेन्नई के बीच चेन्नई के घरेलू मैदान पर रोमांचक मैच खेला गया, जिसमें चेन्नई की टीम को कोलकाता के खिलाफ जीत मिल गई है। इस मैच में चेन्नई की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए रवींद्र जडेजा और तुषार देशपांडे के 3-3 विकेट के चलते सिर्फ 137 रन 9 विकेट के नुकसान पर कोलकाता को 20 ओवर में बनाने दिए। इस दौरान कोलकाता की टीम की तरफ से कप्तान श्रेयस अय्यर ने सर्वाधिक 34 रन का योगदान दिया। ऐसे में अब चेन्नई की टीम को लक्ष्य का पीछा करने का मौका मिला, तो चेन्नई की टीम ने मैच से शानदार शुरुआत की, जिसके चलते चेन्नई की टीम इस मैच में जीत गई। ऐसे में कोलकाता के खिलाफ चेन्नई की टीम को मिली जीत के बाद कोलकाता के मालिक शाहरुख खान ने धोनी और जडेजा को लेकर बयान दिया है। इसमें कोलकाता के मालिक शाहरुख खान ने बयान देते हुए कहा कि कोलकाता और चेन्नई के बीच खेले गए रोमांचक मैच में कोलकाता की टीम को जीत नहीं मिली और देखकर मैं काफी ज्यादा निराश हूं, क्योंकि मुझे इस मैच में चेन्नई के खिलाफ कोलकाता की जीत की उम्मीद थी, लेकिन आज कोलकाता की टीम की तरफ से खिलाड़ियों का बेहतर प्रदर्शन देखने को नहीं मिला। हालांकि कोलकाता और चेन्नई के बीच मैच हमेशा से रोमांचक होता है और हमेशा से दोनों टीमों के बीच काफी बेहतर टक्कर देखने को मिलती है, लेकिन इस बार कोलकाता की टीम को चेन्नई के खिलाफ संघर्ष करता हुआ देखा गया है। वैसे देखा जाए तो चेन्नई की टीम के खिलाफ कोलकाता का रिकॉर्ड काफी ज्यादा बेहतर है, लेकिन जिस प्रकार से आज चेन्नई की टीम के खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए हमारी कोलकाता की टीम को परेशान किया, उसके बाद हमारी कोलकाता की टीम के मैच को जीतने का आत्मविश्वास पूरी तरीके से टूट गया है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि इस मैच में कोलकाता की टीम की तरफ से रवींद्र जडेजा की गेंदबाजी के आगे बल्लेबाजों का बेहतर प्रदर्शन देखने को नहीं मिला। इस मैच के अंदर अगर चेन्नई की टीम की तरफ से रवींद्र जडेजा बेहतरीन गेंदबाजी नहीं करते तो शायद हमारी टीम को चेन्नई के खिलाफ दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ता, लेकिन इस मैच में महेंद्र सिंह धोनी के मास्टरमाइंड के चलते हमारी टीम को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि सभी को मालूम है ऋतुराज गायकवाड़ सिर्फ टीम के अनौपचारिक रूप से अब कप्तान हैं, लेकिन असलियत में तो महेंद्र सिंह धोनी ही टीम की कप्तानी करते हैं। और आज भी इस मैच के अंदर महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी के चलते चेन्नई की टीम को काफी ज्यादा फायदा मिला है। अब मेरा मानना है कि इस मैच में अगर रिंकू सिंह थोड़ा तेजी से बल्लेबाजी करते तो शायद स्कोर कुछ और ही हो सकता था। चेन्नई की टीम के खिलाफ गेंदबाज दबाव बनाकर मैच को हम जीत सकते थे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस मैच में कोलकाता की टीम की हार का मुख्य कारण क्या रहा? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।